हेलो गाइस, आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपनी होम थिएटर या फिर किसी भी साउंड सिस्टम पे खुद से ही एलईडी लाइट लगवा सकते हो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले एक यूएसबी केबल चाहिए जो कि कटा हुआ हो। उसके बाद चाहिए एक डीसी कूलिंग फैन जो कि आप अपने साउंड सिस्टम पे या फिर होम थिएटर पे कूलिंग के लिए भी लगवा सकते हो और जस्ट शो के लिए भी लगवा सकते हो। इसके बाद एक एलईडी बल्ब चाहिए। यहाँ पे मैंने दो एलईडी बल्ब लगाया है, आप चाहे तो एक भी लगा सकते हो। उसके बाद चाहिए एक कटा हुआ मोबाइल चार्जर जिससे मैं कनेक्शन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एलईडी बल्ब को होम थिएटर के अंदर एडजस्ट करके लगाते हैं। दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान से लगाना होता है, जैसे कि इसका हेड बाहर की तरफ रहे। जब ये जलेगा तो ज़्यादा लाइटनिंग दिखेगा। यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहे तो किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फेविकॉल हो गया, फेविक्विक हो गया। उसके बाद हम डीसी फैन को लगाते हैं। दोस्तों, इसे भी थोड़ा एडजस्ट करके लगाना पड़ता है। अगर आप कूलिंग के लिए लगा रहे हो तो ग्लू को थोड़ा एयर टाइट करके लगाना पड़ता है, और अगर आप जस्ट शो के लिए लगा रहे हो तो इसे ग्लू के साथ चिपकाना पड़ता है। उसके बाद कूलिंग फैन का पॉजिटिव वायर के साथ एलईडी बल्ब का पॉजिटिव वायर को एक साथ लगाना पड़ता है, और कूलिंग फैन का नेगेटिव वायर के साथ एलईडी बल्ब का नेगेटिव वायर को एक साथ लगाना होता है। देन दोनों को हम फटा हुआ यूएसबी केबल के साथ कनेक्शन देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं मोबाइल चार्जर एडाप्टर से कनेक्शन देने वाला हूँ। अगर आपके पास मोबाइल चार्जर एडाप्टर नहीं है तो आप कटा हुआ चार्जर से भी कनेक्शन दे सकते हैं। इसका भी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना होता है। तो अभी हम चार्जर एडाप्टर और यूएसबी के साथ चालू करके देखते हैं कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कैसे देखने में अच्छा लग रहा है। दोस्तों, वही सेम प्रोसेस आप कटा हुआ चार्जर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी दिखने में अच्छा लगता है।
तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।